नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा कलेक्टर का सार्थक प्रयास इन दिनों शहर के कई हिस्सों में दिख रहा है। इसी कड़ी में रीवा शहर की बड़ी पुल, छोटी पुल और झिरिया में कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश में रेलिंग लगाई जा रही है, जिसके कई बड़े फायदे गिनाए जा रहे हैं। दरअसल विगत कई वर्षों से यह एक सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा था, जिसमें मानसिक तथा शारीरिक तौर से पीड़ित और ज़िंदगी से परेशान लोग अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के उद्देश्य से अक्सर नदियों में छलांग लगा देते थे। लेकिन अब प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर हो चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में एक युवती के द्वारा छोटी पुल से छलांग लगाने का मामला सामने आया था। अब प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए छोटी पुल, बड़ी पुल और झिरिया के पुलों पर दोनों तरफ रेलिंग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह रेलिंग 7 से 8 फीट की ऊंचाई पर है तथा उसी में जाली लगाई जाएगी, जिससे सुसाइड करने वाले तथा आसपास खड़े होकर सेल्फी लेते समय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके। जो लोग नदी को दूषित करते हैं वह भी अब ऊपर से कचरा नहीं फेंक पाएंगे। नाली लग जाने से प्रदूषण भी कुछ हद तक कम होगा। अब कहीं ना कहीं प्रशासन तथा जनप्रतिनिधि इस बात को समझ रहे हैं कि यह एक बड़ी समस्या है। हर साल 8 से 10 मौतें ऐसे ही होती थीं, जिसे अब कुछ हद तक रोकी जा सकेगी। प्रशासन काफ़ी दिनों बाद जागा है, यह जनमानस के लिए अच्छी और सुखद खबर है। जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इसीलिए ये कलेक्टर साहब ने योजना बनाई है कि यहाँ से लोग ना कूदे, इसीलिए ये बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नेहा वर्मा। लोगों की जान बचाने के लिए जैसे यहाँ पे पहले मतलब ये नहीं रहता था, ज़्यादा केसेस इसके आते थे, मौतों मतलब सुसाइड नोट ज़्यादा आती थी, उसके लिए हम लोगों के मतलब कलेक्टर के द्वारा ये बनाया गया, जिससे मौतें कम हो सकी और लोगों की जान बचाई जा सके। अंजलि मिश्रा। ये इलैया राजा टी की तरफ से जो अपने माननीय कलेक्टर महोदय हैं उनके निर्देश से ये जालियां लगवाई जा रही हैं नगर पालिका की तरफ से। ये जालियां लगाई जा रही हैं ताकि इसमें कचरा ना फेंके, शहर दूषित ना हो, अपना पानी भी दूषित ना हो, उसके लिए ये काम चल रहा है अपना। इसमें जाली लगेगी, जैसे कचरा फेंकते हैं लोग, थूकते हैं इसी में गंदगी करते हैं। अरे छलांग भी लोग, छलांग लगा के जैसे अभी आत्महत्या एक लड़की करने की कोशिश की थी, ऐसे कई आत्महत्याएं कर चुके हैं लोग। उन सबको नज़र में रखते हुए इलैया राजा टी जो है अपने वो नगर पालिका को निर्देश दिए, जिससे ये कार्य चालू हो गया और कार्य जोरों से चल रहा है अपना। ये कार्य अभी कितना कंप्लीट हुआ, कितना बाकी है? ये आधा कार्य अपना कंप्लीट हो गया, यहाँ भी चल रहा है, झिरिया पुल में भी चल रहा है अपना, अभी उस बड़ी पुल में भी लगेगा। बिछिया लिपनिया मतलब जो भी पुलें हैं उन सभी पुलों में ये लगाया जा रहा है ताकि अपनी नदी नाले जो हैं वो स्वच्छ रहें, साफ़ सुथरा पानी लोगों को मिले पीने के लिए, कचरा ना फेंका जाए, इसमें थूका ना जाए, गंदगी ना की जाए और जो आत्महत्याएं होती थी वो बंद हो जाए। खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।